भाई 5 अंडे दे दो और 1 पाव दही दे दो। 5 अंडे और 1 पाव दही। और 5 अंडे दे दो। 5 अंडे। एक किलो दूध, एक डबल रोटी, डबल रोटी है जी। हाँ जी। जी भाई। वालेकुम सलाम। सब बंद दे दो। कौन सा? एक जैम दे दिएगा। और एक ब्रेड दे दो। सारा जैम छोटा बड़ा? छोटा। एक मिल पे एक भी दे देना। और बस ये आपके होगा। ये भी है, ये आपके होगा। $60 दे दें। $60? $60 दे दें। ये आपके हो गए ना, आपने लिया है तो हम असल में। दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? यहाँ रुपया चलता है, डॉलर नहीं चलता? नहीं तो रुपया चलता है। हम असल में दुकान में रुपया नहीं लेते, हम डॉलर लेते हैं। यहाँ डॉलर में पेमेंट होती है। किस दुनिया में हो? हैं, किस दुनिया में हो? कराची। कहाँ से आए हो? मैं तो आया तो बाहर से हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ दूध बेच रहा हूँ। कराची है ना? हाँ। दिस इज सिटी फॉर पाकिस्तान, कराची। बात सुने, ये इतनी अंग्रेजी क्या मतलब है? जितनी सीखी आए आज यहाँ मेरे को बोलनी है क्या? क्या मतलब है? आप ये चीजें ली है ना आपने? आप इधर मांग रहे हो आपका, मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना। आप ये पाकिस्तानी नहीं चलेंगे, ये 500 ये नहीं चलेंगे। हम नहीं ले रहे ना, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है ना सर। 5 अंडे आ गए, 1 पाव दही आ गई। पैसे नहीं नहीं हम डॉलर में लेंगे। डॉलर में पैसे नहीं। डॉलर में कैसे देंगे आपको? ये पैसे हैं, यही चल रहे हैं पाकिस्तान में। नहीं नहीं, असल में पाकिस्तान की करेंसी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो अब हम डॉलर में ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो यही देंगे भाई, यही दे सकते हैं। नहीं नहीं, तो आप वही देंगे। आप डॉलर में करवाएं। डॉलर कहाँ से लेके हम? पूरी दुकान डॉलर में चल रही है पिछले 6 महीने से। जब से डॉलर ऊपर जा रहा है ना, हम डॉलर में लेन देन कर रहे हैं। और कितना हुआ ये भजन? आपके होगा तकरीबन $2.5। डॉलर? ये नहीं, ये करेंसी ये पाकिस्तानी नहीं चलेगी। $2.5। नहीं, पाकिस्तान में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? अमेरिका में थोड़ी नहीं, असल में डॉलर इतना ऊपर चला गया ना, हम लोग अब ये डॉलर के हिसाब से दे रहे हैं। ये तो कहाँ पे आ गया, कब से हो गया भाई? आप ये पैसे ये करेंसी एक्सचेंज में करवा के हमें डॉलर दे दो। अब मैं ये कराने के लिए वहाँ जाऊँ? ये हुआ कब ये तो बताओ। ये मैं 1 महीने से बेच रहा हूँ। एक सेकेंड जी भाई। भाई जान, $2 के पापे दे दें। $2 के पापे आ गए, तकरीबन $8 का दूध दे दें। $8 का दूध दे देंगे। भाई कहाँ से कौन डॉलर चला रहा है? ये 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 दूध आ गया जी जी, ये दूध आ गया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें ना, डॉलर दे तो रहा है। वो तो बकाया बकाया अगर आप दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप आधे घंटे में ले जाए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ऊपर से पकड़ लें। सर जी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कड़क, आप देखें कौन से उसमें न्यूज चल रहा है। आपको और क्या दूं? बस ये दो चीजें चाहिए आपको। तो आप डॉलर तो दें। आप भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो यहाँ रुपया भी पाकिस्तानी चलता है ना, डॉलर थोड़ा चलता है। एक सेकंड, $3 के दर्जन अंडे दे। ये देखें, $3 के दर्जन अंडे आ गए। ये देखे ना, वो भी तो आ रहा है ना कस्टमर। और $2 के ये गोल वाले पापे दे। वो देखे ना सर, आप ये देखे ना, ये मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 जासूस हो अमेरिका के। ये देखे ना, ये देखें, ये देखे जासूस की क्या बात है। ये देखे, डॉलर दिया तो इसने। तो भाईजान, ये अमेरिका का कोई एजेंडा है ना ये? क्या? और अमेरिका का कोई एजेंडा है ना ये? आपको डॉलर दे रहा है अपना डॉलर चलाने के लिए।
क्या मतलब है भाईजान, वो शॉपिंग आप ये कहा के एजेंट है जो ये लेके जा रहे हैं, वो आप पापे लेके जा रहे हैं। मेरे जान पाकिस्तानी है। वो पापे लेके जा रहे हैं, वो अमेरिका का एजेंट हो गया, अमेरिका का होगा है। क्या मतलब है, पापा किसको देना है उसने, पापा किसको देना है, या पापे से बम फाड़ रहा है, वो डॉलर चलाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुने ना, डॉलर इतना महंगा चल गया, डिमांड में आ गया ना डॉलर, बड़ी मेन डिमांड में, तो आप पाकिस्तानी हो ना भाईजान, मेरी बात हो ना, तो अपना डॉलर और ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा, मेरी बात सुने, क्यों नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आप ले जाओ, इसको काट लूंगा मैं सारे पैसे, चलो बकाया नहीं मिलेंगे, आप डॉलर में नहीं दे रहे ना यार, डॉलर में क्या पाकिस्तान है ये, टोटल इसके प्राइस बताओ या क्या, यहाँ पे $60 जो बन रहा है ये भाई, $60 के बन रहे हैं, ₹700 बनते हैं, मैं तो फिर ₹500 काट रहा हूँ। ये अपनी चीजें वापस लो, पैसे दो, क्यों ये पाकिस्तानी ₹220 है बकाया, जो ये ₹220 के तो भाईजान ये मैं, ये इम्पोर्टेड है ना, असल में ये जो दूध है ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाया मैंने, और ये डबल रोटी आगे नहीं है, ये मेरी अपनी कंपनी जापान में, कहाँ से आए हो, जापान है, आप न्यू ईयर से आए हो, न्यू ईयर में 2020 से निकला हूँ, नहीं न्यू ईयर्क अमेरिका, न्यू ईयर्क, ठीक है, ये नई कराची से आगे वाला सेक्टर है, पाकिस्तानी में रहते हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करेंसी चलाएंगे भाई। एक सेकंड जी भाई, यार ये $2 के बंदे दो, ये देखें $2 के कौन से वाले, ये दे दो, ये आ गए, और एक फीकी डबल रोटी दे दो $3 की, फीकी डबल रोटी $3 की, ये देखें ये भी तो आ रहे हैं ना, ये भी बाहर से डायरेक्ट आए होंगे, मैं तो भाई बाहर से कहाँ रहते हो, मैं यही रहता हूँ भाई, सरजानी में, सरजानी में बाहर नहीं है ना, बलूचिस्तान में हाँ। अरे भाई अपनी मंतके नहीं बता, ये देखो ये डॉलर दिया है ना इसने, ये डॉलर समझ के रख लो आप, बाकी हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देखे आप इसको कन्वर्ट करा के देंगे, आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, ये ऐसे नहीं, ये एक्सचेंज में जाए, अभी हमारे पाकिस्तान में यही चल रहा है, एक्सचेंज में जाए, मनी एक्सचेंज में वो कन्वर्ट करके देंगे इसको डॉलर में, फरोख भाई क्या पागल वागल हो गए, एक सेकंड दूध की दुकान पे रुक जाओ भाई, फरोख ये ₹500 के डॉलर में करवा के ले आओ फटाफट, नहीं भाई अब आप ये जो आप ले रहे हैं, ये आप डबल रोटी पकड़े मैं दूध भी चाहिए यार, डबल रोटी क्या दूध की दुकान पर आया, मैं डॉलर क्यों लेकर आऊंगा, क्या पागल भाई जान, आप पता तो करो ना, हम तो डॉलर में बिठा दिया, मैं सारा इम्पोर्ट डॉलर में कर रहा हूँ, यहाँ से दूध आ ही नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, बिठा दिया भाई दुकान के अंदर, आपको क्या पागल वागल हो क्या है, पागल हो क्या, क्या मतलब है ऑस्ट्रेलिया से दूध आ रहा है तो क्या मैं पागल हूँ, पाकिस्तान में दूध नहीं मिल रहा जो ऑस्ट्रेलिया से, भाई जान ऑस्ट्रेलियन बैलों से दूध निकल रहे हैं, अबे भाई मुझे पाकिस्तानी दूध दे दो, पाकिस्तानी नोट के साथ, डॉलर वॉलर नहीं है यार, ये तो अभिजीत तुमने लगाया हुआ है, डॉलर दो, एक तो अभिजीत लगाया हुआ है मैंने, अभिजीत को तो मैं सुनता ही नहीं हूँ जब से उसने आतिफ असलम की बुराई की है, आप मुझे ₹500 दे, नहीं ₹500 नहीं मिलेगा, आपके ही होगा, आपको बकाया, नहीं नहीं आपके होगा, छोड़ दे आप, यहाँ इससे नहीं नहीं सामान नहीं मिलेगा भाई, आप छोड़ दो, फड्डा करने वाली नहीं, ये लो जाओ पैसे दो, नहीं पैसे दो भाई हमारे वापस, पैसे नहीं मिलेंगे, देखे मेरी बात, आपने डॉलर में पेमेंट नहीं की है, आप मैं बोल रहा हूँ अंकल देखे मेरी बात सुने, अब हर चीज डॉलर में होगी, अब ये छोड़ दे आप, हाथ छोड़ दे, चले भाई, बकाया तो दो, क्या बकाया तो दो, क्या ये W11 में बैठे हुए डबल इतना तुझे पता है ये W11 यहाँ चलती है, इतना नहीं पता कि रुपया चलता है यहाँ पे, भाईजान मैं यहाँ का नहीं हूँ, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, अबे तो जाए W11 का पता है, रुपये का पता नहीं है, वो तो मैंने आते हुए W11 में किसी को फीप मारते हुए देखा, किसी से पूछ लेते हैं यहाँ रुपया चलता है, डॉलर नहीं चलता, ये तू पैसे पकड़ और मेरा सामान दे, मैं भाई यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं लॉस एंजलिस में पैदा हुआ हूँ, दूध बेचने यहाँ क्यों आ गया तू, दूध बेचने, ये तो मैं, ये मेरी हॉबी थी बचपन से कि मैं दूध बेचूं बड़े होके, बेच रहा है पाकिस्तान में रह के दूध बेच रहा है, तो फिर पाकिस्तानी करेंसी से पैसे ले, डॉलर कहाँ से लेगा, भाई नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे पैसे दो यार, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे भाई, मैं डॉलर उठा लूंगा, क्या डॉलर उठा लेंगे आप, इसको छोड़ो समझ रहे बात को, ये आपको ये आंखों को लगा के चुम को लगा के जेब में डालने वाली चीज हो गई है, आप लटका लो भले, ये इतना महंगा हो गया, फ्रेम बना के लटकाना चाह रहा हूँ मैं, भाई मुझे पैसे दो, मैं कहीं और से ले लूंगा, पैसे ऐसे नहीं, ये डबल रोटी केस करे, मुझे नहीं चाहिए रोटी, आप पकड़ो, क्या हो गया भाई, अच्छा भाई एक सेकंड मुझे पाकिस्तानी टीम में डालो, मैं कैच कैसे पकड़ रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम को, हमारे वाले तो विकेट कीपर खिलाते नहीं है, गोल कीपर खिलाते, भाई पैसे दे मुझे यार, बता रहा हूँ मैं, सब तोड़ताड़ दूंगा यार, अच्छा भाई क्या तोड़ताड़ देंगे यार, तोड़ताड़ दूंगा मैं, क्या अच्छा भाई बात सुनो, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, अच्छा दे रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे लेके आ भाई, ये हमारा बंदा यही पीछे छुपा हुआ था, ये पैसे आ गए, और ये जो डबल रोटी है और दूध है ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपकी तरफ,
वो देखे पीछे पीछे कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला दे। अच्छा अच्छा अच्छा, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ये पैसे, ये हमने मजाक किया आपके साथ। अंसारी अंसारी वो देखे पीछे पीछे, देखे कैमरा लगाया हुआ है और ये आपके साथ हमने मजाक किया है। इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आई एम सॉरी। और आपने बहुत अच्छी बात की थी कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। डॉलर हमारी करेंसी नहीं है, हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों का ये हक है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करे, पाकिस्तानी करेंसी को वो ऊपर लेके जाए। जैसे इन भाई ने कहा है, मेरा भी यही मैसेज है, पाकिस्तान जिंदाबाद।